हमीरपुर में आज एक युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। शव के पास पड़ा खून हत्या की गवाही दे रहा है। तो वहीं हत्यारोपी हड़बड़ाहट में अपना दो मोबाइल और चप्पल मौके पर छोड़कर भाग गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस का जवाब संदिग्ध मौत का मिला है। ये मामला मौधा कोतवाली क्षेत्र में साजन तालाब इलाके का है। यहाँ केवटरा के रहने वाले संजय निषाद का शव आज सुनसान इलाके में मिला है। शव के पास मिला खून उसकी हत्या की जाने की गवाही दे रहा है। तो वहीं शव के पास में ही दो मोबाइल और एक चप्पल मिली है जो हत्यारोपियों की बताई जा रही है। मृतक के पिता के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोग हो सकते हैं। तो वहीं चश्मदीदों के अनुसार देर शाम उसे लोडर पर देखा गया है जो वारदात स्थल की तरफ गया था। मोबाइल यहाँ मिला है उस दूसरे का, दो दो मोबाइल मिले, एक जोड़ी चप्पल पड़ी है यहाँ दूसरे की, सब मोबाइलों से पता चलेगा। यही हम कुछ कह सकते हैं, जब हम सगले पता कर लेंगे कौन इसके साथ में था, कौन था कौन नहीं था, किसको कह दे भाई जबरदस्ती कि फलाना था ढिकाना था, पता चल जाएगा सब। हम लोग रात में आग ताप रहे थे तो रात में 10 बजे एक पिकअप गया था, तो पिकअप में हमने 7 बजे पहले इनको देखा था घूमते हुए। हमने तो दूर से देखा था कि गाड़ी जा रही है बस, उसमें शाम को 5 बजे हमने इसको घूमते हुए देखा था। आज सुबह जैसे ही लोग नींद से जागे तो लोगों को हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद यहां लोगों का तांता लग गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सील करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन संजय निषाद की हत्या क्यों और कैसे की गई, इस पर पुलिस का बहुत ही अटपटा जवाब मिला है। इतने सारे सबूत होने के बाद भी पुलिस इसे संदिग्ध मौत बता रही है। देखिए, इनका नाम संजय निषाद है, उनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। इनकी हत्या कभी स्पष्ट नहीं है, इनकी मृत्यु जो है संदिग्ध कारणों से हुई है। अभी पंचनामा कराया जा रहा है और इनके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हम लोग भेज रहे हैं, उसके बाद क्लियर होगा इनकी मृत्यु का कारण क्या है। और घर वाले जो तहरीर देंगे उस पर हम लोग अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य का संकलन करेंगे और जो ही सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता असर हुसैन टीपू, VSRS न्यूज़, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।